नमस्कार, आज मैं बात करूंगा पेट की अकड़न को कैसे दूर करें। आप देखते होंगे ये निचला हिस्सा, जो पेट का निचला हिस्सा है जहाँ पे अतड़ियाँ होती है ऐसे ऐसे, वो हिस्सा जो है पूरा अकड़ा होता है, एकदम अकड़ के बैठा रहेगा, पकड़ के बैठा रहेगा एकदम। और ये जो समस्या है वो सालों साल चलती रहती है और बहुत तकलीफ़ होता है शरीर के भीतर, जो है तकलीफ़ बहुत होता है। इस पेट की अकड़न को मैंने जो है पीछे बहुत बुरी तरह से झेला है, उसको दूर कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। रॉ डाइट तो देखिए शुरू मैंने कर ही दिया था और तकरीबन 1.5-2-3 महीने तक मैंने रॉ डाइट किया था, लेकिन पेट की अकड़न जो है पूरी तरह से गई नहीं थी। काफ़ी हद तक तो सॉल्व हो गया था लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा था 100%। और वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आया कि इसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। ये जो पार्ट है, ये जो इंटेस्टाइन वाला ये जो पार्ट है, इसको रेस्ट देने की ज़रूरत है, कि कोई ऐसी चीज़ डालो कि इसको काम ही ना करना पड़े, जो आतड़ियाँ हैं इसको काम करना ही ना पड़े। अब वो कौन सी चीज़ हो सकती है, वो हो सकता है जूस। तो मैंने खुद से ही बोला कि चलिए 15 दिन का जूस फास्टिंग कर डालते हैं, जूस ही पीते हैं साले को, कि इसको कुछ काम करना ही ना पड़े। तो उस दौरान जो है मैंने, उस समय अप्रैल मई का महीना था और तरबूज और खरबूज बहुत आ रहा था दबा के, 15-15, 20-20 रुपए किलो। तो मैंने क्या किया, पूरे 15 दिन वो जूस ही खाया, उसमें जूस ही होता है, पानी ही होता है, तो 15 दिन उसका जूस ही पिया और जो मेरी अकड़न थी वो चली गई। इतना सब कुछ कर लिया, रॉ डाइट भी कर लिया, ठीक है, रॉ डाइट से इतना ज़्यादा बेनिफिट था, लेकिन जो है वो अकड़न नहीं जा रही थी फिर भी, ये जो अकड़न है। तो मैं कहा, अब मुझे पुरानी चीज़ें याद आती थी, मेरा जो पहले वाला पुराना था, मतलब समस्या शुरू होने से पहले, कि भाई पेट कितने आराम से रहता था, इस तरह से अकड़ा नहीं रहता था जैसे ये अकड़ा रहता है, तो वैसा कैसे बनाए। और ये सारी बातें सोच के फिर मैंने यही सोचा कि भाई इसको रेस्ट दे दो कम्प्लीटली, तो जो है ये अकड़न चली जाएगी। तो मैंने 15 दिन का जूस फास्टिंग किया और उससे पेट की अकड़न चली गई। अब इसमें देखे, अभी भी बीच बीच में मान लो कोई गलत चीज़ आप खा लेते हो, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है पेट की अकड़न आ जाती है, तो अभी भी कभी कभार मान लो 3-4 महीने में एक आधी बार पेट की अकड़न आ गई, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये है मेरा ग्रीन जूस मॉर्निंग का, और आप सबको भी मैं इस डाइट में रिकमेंड करता हूँ, ARM डाइट में, कि इसको जो है मॉर्निंग में आपको लेना ही लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत लोग पी नहीं पाते हैं इसको। देखो, रॉ डाइट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो कर लेता है तो उसको ज़िंदगी भी नई मिल जाती है, नई ज़िंदगी, फ्रेश एकदम बढ़िया शरीर, पहले जैसा शरीर, निरोगी शरीर, जो आपका शरीर 15-20 साल की उम्र में जो एकदम बढ़िया ज़बरदस्त हुआ करता था वैसा शरीर मिल जाता है। तो ये तो पीना ही पड़ेगा, इसका ग्रीन जूस जो है आपको निकाल के पीना ही पड़ेगा। इसका तरीका मैंने बता ही दिया है आपको कि इसको जो है कैसे पिया जाएगा। उसके बाद आपको खाने हैं पूरा दिन सबसे ज़्यादा पानी वाले फ्रूट या सब्जियाँ, जैसे कि ये पपीता हो गया, इसमें पानी ही पानी है, ज़्यादातर पानी है, इसका जूस निकालेंगे तो पानी बहुत पानी निकलेगा, या फिर तरबूज और खरबूज, इस तरह के जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, अगर आप पूरा दिन खाते हैं और सभी प्रकार के अन्न बंद कर देते हैं, मिलेट भी बंद कर देते हैं, या कठोर चीज़ें जैसे कि कोई सॉलिड फ्रूट है, ठीक है, उसको खाना बंद कर देते हैं, केला भी खाना बंद कर देते हैं, ठीक है, और केला ऐसे कठोर तो नहीं है, लेकिन केला की समस्या क्या है ना कि वो कॉन्स्टिपेट करता है, आपको कॉन्स्टिपेट करके रख देगा। तो पानी वाले फ्रूट्स अगर आप 15 दिन तक खा लेते हैं तो आपकी पेट की जो अकड़न है वो चली जाएगी। सालों साल से लोगों की पेट की अकड़न
जो है चली आ रही थी, और लास्ट ईयर मैंने डाइट करवाया, इस साल भी बहुत लोगों को डाइट करवाया यही वाली। अभी तक मैं तकरीबन पेट की अकड़न पे 5-6 वीडियो बना चुका हूँ, और हर वीडियो से कोई ना कोई नए लोग जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को अपना के पेट की अकड़न, इवन कि एक हमारे साथ US से जुड़े थे, एक उन्होंने अनुभव भी शेयर किया था, वो तो 15-20 दिन छोड़ो, वो तो 150 दिन जूस फास्टिंग कर डाला उन्होंने मोटिवेट होके। एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं, और अभी भी जो लोग पिछले साल से जुड़े हैं और जिनको बेनिफिट हुआ है, वो आज भी देखे कभी कभार आके कमेंट करके जो है जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि हाँ देखो लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं, डाइट करके ठीक हो गए और अभी भी जो है वीडियोज़ देखते रहते हैं। सो, इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि पेट की अकड़न को दूर करना है तो बस जूस जूस ही पीना है, सॉलिड चीज़ डालना ही नहीं है। कोई भी चीज़ जैसे सब्जियां हैं तो उसको जूस में कन्वर्ट कर लो, सलाद है उसको भी जूस में कन्वर्ट कर दो, ताकि इसको काम ही ना करना पड़े, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक इसको काम करना ही ना पड़े, बस इधर से डालो उधर से निकल जाए, इसको कुछ ना करना पड़े। जब इस तरह से आप इसको आराम दे देंगे तो ये जो है अपने आप इसकी अकड़न या जो कुछ भी समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। सो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ मोटी